हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा विद अ न्यू वीडियो एंड सबसे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपकी नया साल मुबारक हो और सुखमय और मंगलमय हो, प्रॉस्परस, खूब पैसा कमाओ। आज जो वीडियो का पर्पस है, बेसिकली ये पहले मैं बोल दूं कि ये जो मैं कर रहा हूँ या मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं और जो एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रीशियंस हैं, सिर्फ वही अटेम्प्ट करें। यू नो, जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं या जिनको कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोग कृपा करके अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने ये अटेम्प्ट किया और जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था उसकी जगह कुछ और कर दिया, तो आपका ECM वगैरह शॉर्ट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। द पर्पज ऑफ द वीडियो इज, और ये किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए, सबके लिए वाजिब है कि हम लोग क्या है, अपनी गाड़ी में दो चीजों में डिवाइड कर लेते हैं, एक है सेंसर और एक है एक्चुएटर। ओके, तो आज जो हम कवर करेंगे सेंसर और एक्चुएटर्स की जो वायरिंग है। ओके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हर बार ये प्रेशर रहता है कि जो वायरिंग जो जितनी आप छोटी से छोटी कर पाओगे, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वगैरह कम होती है, आपका वेट ऑफ द व्हीकल कम होता है, कॉस्ट में बहुत रिडक्शन रहती है, तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी सेंसर्स हैं, जो VREF 5 वोल्ट जिसे हम हाई रेफ बोलते हैं और ग्राउंड जिसको हम लो रेफ बोलते हैं, तो वो जो होते हैं वो बहुत सारे सेंसर्स के शेड होते हैं, और जब अगर हमारे पास वायरिंग डायग्राम नहीं होते तो हम लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है कि जब मल्टीपल फॉल्ट कोड्स आ जाते हैं कि वो उस चीज़ को हम कैसे डायग्नोज करें कि ये हुआ क्या है, ये सेंसर की इंडिविजुअलिस्टिक फॉल्ट है, हाई रेफरेंस का प्रॉब्लम है, लो रेफरेंस का प्रॉब्लम है, या बेसिकली मल्टीपल सर्किट्स की प्रॉब्लम है। तो लेट मी शो इट टू यू और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या करा है। सबसे पहले लेट स्विच द व्हीकल ऑन एंड इसको मैं ऑटो स्कैन पे डालता हूँ, लेट सी फॉर इसमें फॉल्ट कोड क्या है। ऑटोमेटिक स्कैन, इसको बोल दे रहा चुप रहेगा। सर, शान सर, ये बेसिकली इसमें आया है कि सेंट्रल एयर फ्लैप मोटर है, और सेंट्रल एयर फ्लैप मोटर के नाम से आपको ये क्लियर हो जाता है कि ये सेंसर नहीं है, ये एक्चुएटर है, मोटर इज ऑलवेज एन एक्चुएटर। सो बाकी हर जगह हम देख रहे हैं नॉर्मल, नो DTC। ओके, अब इसमें लेट मी शो इट टू यू कि मैंने क्या करा है। मैंने फ्रेंड्स, ये आपका मास एयर फ्लो सेंसर है, ये 3 वायर का सेंसर है। ओके, इसका जो मैंने हाई रेफरेंस और लो रेफरेंस, दैट मीन्स जो 5 वोल्ट का रेफरेंस है, और वो मैं दिखा देता हूँ आपको मल्टीमीटर पे, लेट सी। लेट सी ये क्या है, ये देखो 4.99 और ये दिस इज द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड कभी भी जो लो रेफरेंस होता है उसमें परफेक्ट 0 अगर आता है, तो आप ये मान के चलो वी हैव अ बैड ग्राउंड, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सो बेसिकली मैंने क्या करा है कि लो रेफ और हाई रेफ को मैं शॉर्ट कर देता हूँ।
और उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड उसमें हम देखते हैं कि कितने हमारे एरर कोड्स आते हैं। एरर कोड्स आने का सिंपल सा एक मतलब है कि जब मैं सिर्फ ये दो चीजों को शॉर्ट कर रहा हूं और मैंने आपको दिखा दिया कि देयर इज नो डीटीसी, तो जितने भी अब एरर आएंगे दैट मीन्स या तो उनका जो हाई रेफरेंस है सर्किट वो शेयर्ड है, मतलब एक ही 5 वोल्ट जो है बहुत सारे सेंसर्स को जा रहा है, और जो ग्राउंड है जो लो रेफरेंस है वो भी बहुत सारे सेंसर्स को जा रहा है। सो लेट अस सी कि क्या होता है। यार इधर आ, गाड़ी स्टार्ट कर, एक मिनट रुक। चलो स्टार्ट करो, उसमें वो जल रही है बत्ती, देखो अंदर चेक इंजन वगैरह है। क्या कह रहे हो? चेक इंजन नहीं, वो ग्लो प्लग की बत्ती आ रही है, तो लगाओ जरा, शॉर्ट करो उसे, इधर आओ लगाओ। मेटल को टच कर, तुमने क्या करा है? शॉर्ट करो, चलो स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। जल गई? जल रही है? हाँ, अभी देखो ये मैंने शॉर्ट करा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, अब मैं छोड़ देता हूँ, गाड़ी बंद कर दे और की और ऑन रख, ऑन कर दो, ऑन कर दिया। ओके सो फ्रेंड, व्हाट वी डू इज वी गो बैक। यस, अब हम करते हैं ऑटोमेटिक स्कैन, ये सबसे बड़ा ही जरूरी है आपको, आप जो भी करना है आपने ऑटोमेटिक स्कैन है। ओके सो अब सडनली स्ट्रेट अवे हमारे 3 फेलियर हैं, ब्रेक्स में एक फेलियर है, एयर कंडीशनिंग में वही फ्लैप है। तू एक काम कर, उसको शॉर्ट कर, दोबारा शॉर्ट रख, बंद हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो अब शॉर्ट मत करो। लेट्स डू द ऑटोमेटिक स्कैन अगेन। डीटीसी रिपोर्ट ले लेते हैं नाउ फ्रेंड। ये देखो, लुक एट दिस, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए, सर्किट लो, ठीक है जी, ईजीआर बी, सर्किट हाई, मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सेंसर, सर्किट हाई। ओके, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, वी हैव अ यू कोड, चेक डीटीसी मेमोरी, सेंट्रल एयर फ्लैप मोटर। ऑलराइट, तो अब हमारे को क्या पता लग रहा है इससे कि जो हमारा ईजीआर है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके एंड लेट अस सी व्हाट एल्स हमारे पास आते हैं, एक यू कोड आ जाता है ब्रेक्स वगैरह का, एनी विच वे डीटीसी रिपोर्ट हमने ले ली, लेट्स क्लियर ऑल डीटीसी। ऑलराइट, ओके, अब जो दूसरा सर्किट हमने लिया है, दिस इज द रेल प्रेशर सेंसर, जिसमें अगेन यू नो वी आर गोइंग टू हैव 5 वोल्ट्स। ये देखो
5 वोल्ट्स इसका वो है, और ये इसका लो रेफरेंस है, इसको हाथ लगा के रख, इसको कैसे हम इसको पकड़ रख लाल वाले को, अरे क्या सर ने इसको पकड़ा, इसको पकड़ो दिमाग। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये ग्राउंड कैसा है, ये ग्राउंड है हमारा कि नहीं है, तो ऑल वी हैव टू डू इज पकड़ ठीक लगा के रख, लगा रखा है। ये देखो ये बीप बज रही है, तो बेसिकली वी हैव ये ग्राउंड है, सो दिस इज द ग्राउंड, और ये जो है 5 वोल्ट है, ये यहाँ पे दिखाओ 5 वोल्ट इधर आएगा। ओके सो अब हमने क्या करा है, इसको अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, हटा दे इसको, जो हाई रेफरेंस है इसको मैं लो रेफरेंस के साथ शॉर्ट कर रहा हूँ, पकड़ के रख ऐसे पकड़े रख, ठीक है, एंड लेट अस नाउ स्टार्ट द कार। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी है इट्स नॉट स्टार्टिंग, और जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट रख, शॉर्ट कर आप देख सकते हैं कि वो जो ग्लो प्लग की लाइट है दैट इज देयर, हटा दे एक मिनट, और अब मैं स्टार्ट करा, आप शॉर्ट कर, ये देखो स्ट्रेट अवे गाड़ी बंद हो गई। नाउ लेट अस सी कि हमारे फॉल्ट कोड्स क्या आते हैं। तो आप अब एज यू कैन सी ये हमारे फेलियर आए हैं, राइट, सो लेट अस गो इनटू द डीटीसी रिपोर्ट। अब देखो आप क्या आ रहा है, सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए सर्किट लो, बी सर्किट हाई, ये पहले भी आया था ये है। अब आपका और क्या ऐड हो रहा है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, इंजन स्पीड इनपुट सर्किट रेंज परफॉर्मेंस, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वो यू कोड था, और सेंट्रल फ्लैप मोटर। सो नाउ अब आपको ये क्लियर हो गया व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जब हम इस लो रेफरेंस और हाई रेफरेंस को शॉर्ट किया हमने दो जगह पे, तो अब आपको ये पता लगा जो हमारा 3 वायर का सेंसर है, जो अपना ये है रेल प्रेशर सेंसर, ये वही सर्किटरी शेयर कर रहा है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर को, आपके क्रैंकशाफ्ट को, इंजन स्पीड को, और जो ईजीआर सेंसर बी सर्किट है वो हाई दिखा रहा है सर्किट, ये रेफरेंस लो दिखा रहा है। तो ये जो है या तो जो हमारा लो रेफरेंस है जो उधर मास एयर फ्लो वाला है वो लो रेफरेंस इधर के साथ भी शेयर्ड है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं ये सारी चीजें फ्रेंड्स दिखाने का मतलब ये है, नाउ लेट अस क्लियर ऑल डीटीसी, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लेट अस से कि ये 3-4 फॉल्ट्स बंच में आते हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोगों की जो अप्रोच रहती है कि हम लोग इंडिविजुअल सेंसर को वी स्टार्ट चेजिंग, इंडिविजुअल सिस्टम्स को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, समटाइम्स ये हो गया होगा कि जो वायर्स हैं जो आपस के लो रेफरेंस और हाई रेफरेंस हैं वो आपस में शायद टच हो गए, अगर वो टच हो गए तो ये सारे फॉल्ट्स आपके सामने। अभी हमने करा क्या है, वी जस्ट शॉर्टेड द लो रेफरेंस और हाई रेफरेंस, और ये आपको हम लोगों को पता लग गया बाय जस्ट डूइंग दीज टू सेंसर्स, जिनकी 5 वोल्ट रेफरेंस है हाई रेफरेंस और लो रेफरेंस जो मैंने आपको दिखा दिया। सो ये चीजें जो हैं विद एक्सपीरियंस आपको करनी पड़ेंगी,
और आप जैसे हम देख रहे हैं वी डोंट हैव एनी डीटीसीज राइट ऑल इज नॉर्मल छोड़ो तो बट अब आपको क्या चीजें यू शुड बी केयरफुल कि अगर आप यू आर नॉट की ऑफ कर दे अगर आप एक्सपीरियंस टेक्नीशियन नहीं हो तो ये चीजें आपको बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं आपको बताऊं कहां पे दिक्कत आएगी और आएगी 100% आएगी की ऑफ है देख मेरे को नहीं लग रहा ओके तो जैसे ये हाई प्रेशर का वॉल्यूम कंट्रोल वॉल है ठीक है आपका जो डीआरवी है जो मैंने आपको दिखाया था डिजिटल सिग्नल्स हैं 12 वोल्ट पे चलते हैं थ्रॉटल बॉडीज हैं यू नो वी हैव जो इसकी थ्रॉटल प्लेट है एनीथिंग कोई भी एक्चुएटर जो 12 वोल्ट पे चल रहा है अगर वो जो चीज है आप उसको आपस में शॉर्ट करते हो 101% 100 नहीं 101% आपका ईसीएम शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वो जो सारी करंट है क्योंकि जो भी आपका एक्चुएटर है वो करंट कंज्यूम कर रहा है और वो जो करंट है एम्पेयर वो सीधा आपके वापस चले जाएंगे ईसीएम में एंड वी एंड अप ब्लोइंग द ईसीयू तो जब अगर आप ये करना है इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट इट ये बहुत ही फूल प्रूफ मेथड है इन द सेंस जितने भी जो मेरे को टीचर्स हैं मेरे चाहे वो डेल्फाई के हों चाहे बॉश के हों चाहे यू नो ZF के हों उन लोगों ने सबने ये चीज हमारे को बोली है कि आप यू नो ये सेंसर से आप चेक कर सकते हो उसके बाद अगर आपको ये दिखता है कि 4-5 सेंसर इकट्ठे आपको वो दे रहे हैं तो हम नॉर्मली क्या है हम लोग 5-6 सेंसर की आती है तो हम कहते हैं यार ECM खराब है स्ट्रेट अवे हमारा डाउट चला जाता है ECM खराब है कि भाई इतने फॉल्ट कैसे आ सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया कैसे आ सकते हैं सो बिफोर हम ECM को कंडेम करें सेंसर को कंडेम करें कुछ और पार्ट्स को चेंज करें सेंसर को चेंज करें इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आपको पूरे सर्किट के बारे में पता हो सो वील कीप दिस वीडियो टिल हियर एंड आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जरा डायग्नोसिस को थोड़ा टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल डीपर अंडरस्टैंडिंग बिफोर आई साइन ऑफ मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ जो आदमी एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको ना करे सेकेंडली सिग्नल को मैंने शॉर्ट नहीं किया क्योंकि सिग्नल माई फ्रेंड्स हर सेंसर का इंडिविजुअल है क्योंकि जब आपको लो रेफरेंस और हाई रेफरेंस है एंड वी हैव एक सिग्नल जनरेट होना है तो वो सिग्नल जनरेट जो है वो इंडिविजुअल जाएगा उसका अपना एक यू नो अपना एक इम्प्रिंट होगा जिसे कहते हो अपनी एक वो चीज होगी वो सिग्नल आपका डिजिटल भी हो सकता है वो सिग्नल आपका एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल में वो आपकी ड्यूटी साइकिल भी हो सकती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और कई ऐसे सेंसर हैं जिनमें 6-7 वायर हैं तो एक वायर जो है जो सिग्नल आउटपुट है डिजिटल होगी एक वायर एनालॉग हो सकती है या दोनों वायर डिजिटल हो सकती हैं सो ऑल ऑफ दी सिक्स तो ये जो है लो रेफरेंस और हाई रेफरेंस का आप खुद देख सकते हैं आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं एंड टिल वी मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ चीयर्स